अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, बहुत सारी अपडेटेड रिक्वायरमेंट है और कुछ रिक्वायरमेंट इसमें है जिसका के डेट पब्लिश किया गया इंटरव्यू का, और कुछ रिक्वायरमेंट है जिसका डेट पब्लिश नहीं किया गया। जो भी रिक्वायरमेंट है परसेंटेज रिक्वायरमेंट, इसमें सिविल सिलेक्शन है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, और जो भी क्लाइंट इंटरव्यू अगर है तो वो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ऑफलाइन इंटरव्यू होने का कोई भी चांसेस नहीं है। चलिए रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। रिक्वायरमेंट सऊदी अरब का रिक्वायरमेंट है, कतर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और कुछ यूरोप का भी रिक्वायरमेंट इसमें शामिल किया गया है। तो हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। तो परसेंटेज रिक्वायरमेंट जो है वो कतर का ही रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है इंशाल्लाह बेहतर हो। तो ज़रूर रिक्वायरमेंट अपडेटेड रिक्वायरमेंट पूरा कंप्लीट देखें, ताकि जो जिस वीडियो जिस जॉब के अकॉर्डिंग आप वीडियो देख रहे हो सकता है जॉब इसमें अवेलेबल हो। तो चलिए रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ NSH का रिक्वायरमेंट सऊदी का निकल के आया, जो कि सीबी सिलेक्शन है। ये रिक्वायरमेंट नासर अल हाजरी का है, जो कि पाइप फिटर वेल्डर स्ट्रक्चर ये सब का है। तो ये रिक्वायरमेंट इन स्टाफ के लिए ठीक नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कंपनी ऐसी है जो कि कंपनी इतना कोई खास नहीं है, और ये जो रिक्वायरमेंट उसके लिए ठीक नहीं है। ये रिक्वायरमेंट स्पेशली स्टाफ के लिए सही है, बाकी ये लेबर कैटेगरीज फील्ड के लिए सही नहीं है, जूनियर सीनियर स्टाफ के लिए है। तो इसमें अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी हमारे हिसाब से कंपनी सही नहीं है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कतर का पब्लिश किया गया है स्मैक्स की तरफ से। ये रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी का रिक्वायरमेंट है, मेंशन किया गया वी आर हायरिंग लार्ज रिक्वायरमेंट फॉर लीडिंग MEP कंपनी। तो ये MEP कंपनी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोग्रेस चल रहा है, ऑनलाइन इंटरव्यू हमने पहले ही बताया था, ऑनलाइन इंटरव्यू यहाँ मेंशन किया गया होगा। कॉन्टैक्ट करने के लिए मुंबई चेन्नई वाइजाग गोवा ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सिंपली। और बात करते हैं पोजिशन की, कौन कौन सी पोस्ट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। रिक्वायरमेंट की बात करें यहाँ पे प्लम्बर का रिक्वायरमेंट है, प्लम्बर फायर फाइटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पाइप फिटर को भी फायर फाइटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फायर अलार्म टेक्नीशियन असिस्टेंट फायर अलार्म टेक्नीशियन, फायर फाइटिंग टेक्नीशियन असिस्टेंट फायर फाइटिंग टेक्नीशियन, फायर फाइटिंग फोरमैन डीजल मैकेनिक फायर एंड पंप के लिए, गैस डिटेक्टर टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट है, ब्रीथिंग एप्रिएट टेक्नीशियंस एंड मेंटेनेंस हेड फायर एंड अलार्म एंड फायर प्रोटेक्शन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, फायर अलार्म एंड फायर प्रोटेक्शन इंजीनियर की भी रिक्वायरमेंट इसमें शामिल की गई। जो भी रिक्वायरमेंट है और जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उन कैंडिडेट के पास में फायर अलार्म और फायर फाइटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, चेन्नई कोची चेन्नई वाइजाग गोवा ऑफिस का यहाँ पर ईमेल ID अवेलेबल है, नियर बाय अपने सिटी आप मेल कर सकते हैं, अगर मुंबई के आसपास है तो मुंबई के लिए ये ईमेल ID अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जॉब की बात करें तो 30 मई तक की वैलिड है रिक्वायरमेंट, ये इसके पहले आप अप्लाई कर लें, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो, कंसल्टेंसी अच्छी और बेहतरीन हो सकता है बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पब्लिश किया गया है, ये कतर का रिक्वायरमेंट है, मीना कंसल्टेंसी की तरफ से रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, ये भी फायर फाइटिंग और फायर मेंटेनेंस डिवीजन का ही रिक्वायरमेंट है। इसमें अच्छी तरह से रीड कर ले, पूरी रिक्वायरमेंट पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम पे, पूरा पेपर आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ, मेल ID अवेलेबल है, सिंपली कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अवेलेबल, कोई भी डाउट्स को भी क्वारी तो कॉन्टैक्ट के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो, कंसल्टेंसी अच्छी है और भरोसेमंद रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे कतर का रिक्वायरमेंट कुछ पब्लिश किया गया, जो कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, और ये पेट्रोकेमिकल ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का है। तो जब भी आप अप्लाई करें तो पेट्रोकेमिकल ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस शामिल करें। प्लानिंग सचिडियल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, शटडाउन प्लानर का रिक्वायरमेंट है, वर्कशॉप इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, इंस्ट्रूमेशन टेक्नीशियन, सेफ्टी टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सीवी बोथ इंजीनियर चाहिए यहाँ पे, एंड डूकम इंटीनियर क्या है डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर एंड कोटिंग इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट है, इंस्ट्रूमेशन टेक्नीशियन एंड सिविल सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी सर्वेयर का भी रिक्वायरमेंट इसमें मैकेनिकल एंड सिविल बोथ के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। वेल्डिंग इंस्पेक्टर की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें C Shift 3 और 2 भी होना चाहिए। PSW इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है, API इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है, रिफैक्ट्री सुपरवाइजर इंस्पेक्शन टेक्नीशियंस के रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, कोटिंग सुपरवाइजर, सिविल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस, इंस्ट्रूमेंटेशन सुपरवाइजर, मैकेनिकल टेक्नीशियंस एंड मैकेनिकल ड्राफ्टमैन की रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट प्योनियर की तरफ से पब्लिश किया गया, प्योनियर जो कि कंसल्टेंसी ठीक ठाक है, उतनी ज़बरदस्त नहीं है और ख़राब भी नहीं है कुछ, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी हो सकता है, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो तो अप्लाई करें इसमें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करें, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यूरोप का कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है, जो कि डायनेमिक की तरफ से पब्लिश किया गया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कुछ मेसन्स और टाइल्स वर्कर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मेल ID सिंपली अवेलेबल, मेल कर सकते हैं, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर। तो बात करें कंसल्टेंसी डायनेमिक बहुत अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी, जो कि दिल्ली में अवेलेबल है, मुंबई में भी अवेलेबल है, दिल्ली में इसका मेन है, मुंबई में ब्रांच है,
अप्लाई कर सकते हो, सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो। सीगुल कतर का कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि शॉर्ट लिस्ट में प्रोग्रेस चल रहा है, लार्ज रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सिंपली मेन बहुत से टेक्नीशियंस का रिक्वायरमेंट है। सेम पिछले भी कुछ रिक्वायरमेंट में था तो सेम टेक्नीशियंस इसमें भी रिक्वायर्ड है। ये ऑफिस अलग है, बस कॉन्सल्टेंसी अलग अलग है। एक ही रिक्वायरमेंट दो तीन कॉन्सल्टेंसी में भी आती है, तो आप कॉन्सल्टेंसी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे। कॉन्सल्टेंसी सीगुल बहुत अच्छी बेहतरीन भरोसेमंद है, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बात करेंगे, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पब्लिश किया है कतर का जो कि फ्री रिक्वायरमेंट है, लार्ज रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे शटडाउन का ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया शटडाउन का रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, क्लाइंट इंटरव्यू होगा जुलाई में, और क्लाइंट इंटरव्यू ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा ये क्लियर नहीं किया गया, ये जुलाई में देखा जाएगा क्या चल रहा है सिचुएशन, उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वेल्डिंग फोरमैन, मैकेनिकल फोरमैन, होल वाचर, फायर वाचर, गैस टेस्टर अप्रूवल, सीनियर रिगर, रिगर, पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर, वेल्डर, टिगेन, GTAW एंड SMAW का रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है GCCC रिटर्न होना चाहिए, एक्सपीरियंस टर्न अराउंड शटडाउन का होना चाहिए। शटडाउन में आप पहले अगर गए तो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर है तो फिर मुश्किल है इसमें। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी है वो अपना CV मेल करें वर्ड फॉर्मेट में। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर किया गया, बहुत से कम ऑफिस में क्लियर करता है ये चीज़, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में भी प्लीज़ शेयर CV इन वर्ड फॉर्मेट विदाउट अटैचमेंट। तो यहाँ देखिए इनका क्या होता है, ये आगे जो CV फॉरवर्ड करता है, मैंने पहले बताया आप कभी भी किसी को भी CV भेजे तो वर्ड फॉर्मेट में ज़्यादा बेटर होता है। अगर वहाँ कंपनी मेंशन कर रही है कि आप हमें स्कैन कॉपी भेजे तो आप भेज सकते हो, वैसे आप वर्ड फॉर्मेट में ही भेजें। यहाँ पे सिंपली मेल आईडी अवेलेबल है, चेन्नई, कोची, बड़ौदा, वाइजाग, चारों जगह का प्लस मुंबई का मेल आईडी अवेलेबल है। हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो तो अप्लाई करें, भरोसा कर सकते हैं इसमें, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कतर का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है, स्मैक्स की तरफ से रिक्वायरमेंट है जो कि इटालियन कंपनी का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है। सिविल सुपरिटेंडेंट, सिविल सुपरवाइजर, रिस्क इंजीनियर एंड मेल नर्स का रिक्वायरमेंट है। अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पे अप्लाई कर सकता, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट बात करेंगे जो कि कतर का ही रिक्वायरमेंट है, शटडाउन प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, वेल्डिंग इंजीनियर, फ्लेवलेस QC QE, ये पहले भी पब्लिश किया गया था ये रिक्वायरमेंट, तो हो सकता है अभी भी ये वैलिड है, 30 तारीख तक का वैलिड है, तो हो सकता है आपके लिए बेहतर हो तो अप्लाई ज़रूर करें। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट कतर का पब्लिश किया गया जो कि कोरियन कंपनी का रिक्वायरमेंट है, पाइप इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, पाइपिंग एंड सिविल के लिए, प्लस साइट सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है सिविल के लिए। तो यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस दिया हुआ है, 4 स्टेट में 5 स्टेट की यहाँ पे मेल आईडी अवेलेबल है, सिंपली मेल कर सकते हैं। कोची से इस मेल पे मेल कर सकते हैं, चेन्नई से इस मेल पे मेल कर सकते हैं, गोवा से इस मेल पे मेल कर सकते हैं, और अगर वाइजाग से है तो आप इस मेल पे मेल कर सकते हैं, मुंबई के लिए ये मेल अवेलेबल है। तो हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो तो ज़रूर अप्लाई करें। सीगुल की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया था जो कि सीगुल अच्छी बेहतरीन कंसल्टेंसी है, कतर का रिक्वायरमेंट है, फ्री रिक्वायरमेंट है बिल्कुल। तो यहाँ पे सुपरवाइजर स्काइप होल्डिंग डिपार्टमेंट का है, सुपरवाइजर स्काइप होल्डिंग, इंस्पेक्टर स्काइप होल्डिंग एंड बहुत सारी और भी रिक्वायरमेंट है, तो अच्छी तरह से रीड कर लें आप, ये हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो तो ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने का प्रोसेस मेंशन किया गया है। यहाँ पे दीवान की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि फीमेल के लिए फ्री रिक्वायरमेंट, हेल्प डेस्क ऑपरेटर फीमेल के लिए है, तो हो सकता है फीमेल जो भी हमारी बहन देख रही है उनके लिए बेटर हो तो ज़रूर अप्लाई करें। कॉन्सल्टेंसी की बात करें तो अच्छी और बेहतरीन कॉन्सल्टेंसी, भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसमें। या IELTS की तरफ से रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स की तरफ से ये रिक्वायरमेंट है, शटडाउन कतर के लिए है, जूम के थ्रू इंटरव्यू होगा, और बहुत सारी रिक्वायरमेंट, बहुत सारी फील्ड का रिक्वायरमेंट, बहुत सारी पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, तो इसमें अच्छी तरह से पोजीशन चेक कर लें, आपका पोजीशन अगर इसके अंदर है तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मेल आईडी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें अवेलेबल है। डीजल मैकेनिक का कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कतर का रिक्वायरमेंट है, जमगी वाला की तरफ से रिक्वायरमेंट है, इसमें डेट अवेलेबल नहीं है कौन से डेट को इंटरव्यू होगा इसका, बट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी का डाउट मेल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे CRE की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि ओमान का रिक्वायरमेंट, ऑल इन गैस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, सीनियर कैटेगरीज का रिक्वायरमेंट, इसमें चेक कर सकते हैं आप, वीडियो पूरा लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे पेपर अवेलेबल, पेपर आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हो, सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो। यहाँ पे कुछ और भी रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया जो कि FG वाले की तरफ से रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया है, बहरेन का ये रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन, मेसन, ब्लॉक प्लास्टर, मेसन, टाइल्स एंड ग्रेनाइट के लिए रिक्वायरमेंट पब्लिश किया गया, ये FG वाले की तरफ से। अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है, मेल आईडी यहाँ पे अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, कोई भी डाउट्स को भी क्वारी क्लियर कर सकते हैं। बात करें कॉन्सल्टेंसी की तो अच्छी और भरोसेमंद, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट शटडाउन है, ये अंबे की तरफ से पब्लिश किया गया रिक्वायरमेंट, ओपनिंग फॉर द बिलो पोजिशन ऑफ द लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी, शटडाउन का रिक्वायरमेंट है ये,
और बहुत सारी जॉब, एक दो नहीं बहुत सारी जॉब का रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, तो आप अच्छी तरह से रीड कर लो, हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हो, आपके अकॉर्डिंग इसमें हो तो इसमें रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए पेपर आपको मिल जाएगा सिंपली टेलीग्राम पर, टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए मेल आईडी अवेलेबल, मेल कर सकते हैं कोई भी डाउट्स को भी क्वेरीज क्लियर करने के लिए, नंबर यहाँ पे अवेलेबल सिंपली क्लियर कर सकते हैं। ऑफिस विजिट करना चाहें तो ऑफिस का एड्रेस अवेलेबल है। कंसल्टेंसी की बात करता अच्छी और भरोसेमंद कंसल्टेंसी, भरोसा कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो सकता है, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर साबित हो गया है। ये हमारा अब तक का पूरा रिकॉर्ड, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आएगा तो जरूर लाइक करें, अपने भाई और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कुछ कमेंट्स कमेंट्स की बात करेंगे अपने वीडियो के एंड तक। यहाँ सद्दाब अली का कुछ कमेंट्स है, उन्होंने लिखता है यहाँ लिखे हैं यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम भाई, शुक्रिया आप वैकेंसी बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं समझ रहे हैं इसलिए ये आपको बताया जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी का हेल्प हो पाए थोड़ा बहुत। नेचर क्लाइमेट लिखते हैं वॉइस प्रॉब्लम आ रहे हैं, हाँ जी उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, वॉइस प्रॉब्लम थोड़ा आ गया था, हमने पहले भी वीडियो में ही मैंसन किया हुआ था ये चीज़ की थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉरी। टीपू मोमिन यहाँ पे लिखते हैं, सर कैन यू रिफ्रेश गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जॉब इन एब्रॉड, हमने बताया था आपको गारमेंट्स की कंसल्टेंसी के बारे में, जो कि जॉर्डन का बहुत सारा रिक्वायरमेंट आ रहा है गारमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो अभी फिलहाल आया नहीं, तो आप बने रहिए वीडियो के एंड में, अगर जैसे भी रिक्वायरमेंट आता है तो आपको पब्लिश करके बताया जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे कुछ मुत्तु गणेश लिखते हैं, IOCL सर्विस बैंगलोर इज़ ए गुड कंसल्टेंसी और नॉट, येस माई डियर फ्रेंड इट इज़ वेरी गुड कंसल्टेंसी, यू कैन बिलीव दिस कंसल्टेंसी इज़ जेन्युइन एंड रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी। विक्रम कुमार साधु लिखते हैं, भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। संजय लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, क्या हुआ लोग किसी इंस्टीट्यूट के फैब्रिकेटर का काम सीख कर गल्फ जा सकते हैं और एक्सपीरियंस, देखिए आप कहीं इंस्टीट्यूट से अगर काम सीख के जाते हैं संजय जी तो वो अलग की बात होती है, अगर आप कहीं फील्ड में काम करते हैं तो वो अलग की बात है। सबसे मेन बात है इंटरव्यू आप कैसे क्या निकालते हैं, बस सीधी सी बात है, और बाकी काम का कोई इशू नहीं होता, वहाँ जाने के बाद बंदा अपने आप सारा सेट हो जाता है यहाँ आने के बाद में, बस आपका मेन होता है मेन वहाँ पर जो स्टेप है वो स्टेप है इंटरव्यू आप कैसे निकालते हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आता है, उसका क्या आंसर आपको देना है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, वो उसका प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। और काम का तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पेपर पर ही आएगा, फील्ड में बहुत कम ही होता है, पेपर से ही आजकल सारा कुछ होता है। अभी लॉकडाउन में तो आपको फील्ड में कोई टेस्ट करा के देखेगा नहीं, तो सारा कुछ अभी ऑनलाइन ही होने वाला है, पेपर वर्क ही होने वाला है, तो इस हिसाब से आप इंटरव्यू के लिए अगर तैयार है तो अप्लाई कर सकते हैं। ताज भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जुम्मा मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया ताज भाई, आपको भी मुबारक जुम्मा। और संदीप लिखते हैं यहाँ पे, बड़े भाई मैं वीरा इंटरनेशनल, देखिए वीरा इंटरनेशनल बहुत अच्छी कंसल्टेंसी है, वीरा होटल के लिए जानी जाती है, मानी जाती है, स्पेशल कंसल्टेंसी ऐसी है जो कि होटल इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशली ये कंसल्टेंसी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे मिथिलेश कुमार लिखते हैं, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश कुमार जी आपका, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा और कमेंट्स जो भी आपका डाउट्स होगा क्लियर हो गया होगा, इसके अकॉर्डिंग भी कुछ भी डाउट्स अगर रह जाता है तो आप सिंपली हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। इसी तरह आप अपने प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, आपका साथ आपका सपोर्ट हमें चाहिए, तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगे तो अपने भाई और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुँच पाए। अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।